Hi friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss classification of synchronous machine. तो देखो synchronous machine के classification में दो types पड़ते हैं, rotating armature type and rotating field type. मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सब. तो rotating armature type मतलब armature रोटेट करेगा और जो फील्ड रहेगी वो स्टेशनरी रहेगी, और रोटेटिंग फील्ड मतलब फील्ड रोटेट करेगी और आर्मेचर स्टेशनरी रहेगा, इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, तो फर्स्ट है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप. तो देखो अगर आर्मेचर को यहाँ रोटेट करना है तो ये हमें रोटर पर वाउंड करना पड़ेगा, आर्मेचर हमें रोटर पर रखना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि रोटर रोटेट करता है और जो हमारी फील्ड मतलब सॉरी स्टेटर है वो स्टेशनरी रहता है, बराबर. तो जो रोटेट करना है उसे आप रोटर पर रखते हैं. तो आर्मेचर को अभी रोटर एज अ रोटर मतलब रोटर पे मैंने अगर आर्मेचर को रखा तो फील्ड को हमें स्टेटर पे रखना पड़ेगा, मतलब फील्ड यहाँ स्टेशनरी होगी. अगर रोटेटिंग आर्मेचर रहेगा तो स्टेशनरी फील्ड रहेगी, बराबर है. तो ऐसे टाइप का ये कंस्ट्रक्शन आएगा. तो देखो स्टेटर, स्टेटर में क्या मैंने वाउंड किया है, मैंने क्या रखा है, फील्ड पोल्स रखे हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ अल्टरनेटिंगली यहाँ मैंने फील्ड पोल्स रखे हैं स्टेटर में, ऐसा हमें अज्यूम करना है. और रोटर एज अ आर्मेचर रखा है, मतलब आर्मेचर रोटर पर रखा है. और जो सप्लाई है मतलब जो आउटपुट हमें आता है अल्टरनेटर का, सिंक्रोनस जनरेटर हो तो वो जो आउटपुट आपको आता है थ्री फेज आउटपुट, तो वो आप कहाँ से लेते हो, वो हमेशा आप आर्मेचर में से रहते हो, बराबर है. तो आर्मेचर स्टेटर पर हो या रोटर पर हो लेकिन आर्मेचर में से ही आउटपुट बाहर आएगा. तो यहाँ हमने जो आर्मेचर है वो रोटर पर रखा है तो आपका जो आउटपुट है वो बाहर भी रोटर में से ही आएगा यहाँ रोटेटिंग आर्मेचर टाइप में. तो देखो आर वाई बी एन न्यूट्रल भी है, तो आर वाई बी एन ऐसा आउटपुट यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये स्लिप रिंग और ब्रशेस या कनेक्ट किए इसके द्वारा वो बाहर निकल रहा है. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट है ये फिर रोटेटिंग आर्मेचर टाइप. इट इज़ सिमिलर टू डीसी जनरेटर. डीसी जनरेटर क्या करता था, डीसी जनरेटर में भी फील्ड हमारी स्टेशनरी रहती थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और स्टेशनरी फील्ड रहती थी और आर्मेचर रोटेट होता था, आर्मेचर कंडक्टर्स को कट करता था, फील्ड जो थी वो स्टेशनरी थी, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी नॉर्थ टू साउथ, और वहाँ हमारा जो आर्मेचर था वो रिवॉल्व कर रहा था. और सप्लाई आउटपुट कहाँ से आता था, फिर आर्मेचर में से ही आता था, बराबर है. तो वैसे ही यहाँ सिंक्रोनस मशीन में रोटेटिंग आर्मेचर टाइप सिमिलर टू डीसी जनरेटर ही है, बराबर है. सिर्फ यहाँ फर्क क्या है, 3 to 4 स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड. यहाँ 3 to, वहाँ डीसी जनरेटर में ओनली 2 स्लिप रिंग्स एंड 2 ब्रशेस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ आपको डीसी सप्लाई लेना था पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ एसी सप्लाई लेना है, थ्री फेज एसी सप्लाई लेना हो तो आपको 3 स्लिप रिंग्स लगेंगे और न्यूट्रल होगा तो 4 स्लिप रिंग्स भी लग सकते, तो इसीलिए 4 स्लिप रिंग्स हमने यहाँ दिखाई है, बराबर. सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्लेस ऑन अ स्टेटर एंड करंट इज कलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस विच इज प्लेस ऑन अ रोटर. मैंने अभी आपको ये बताया है. थर्ड पॉइंट है दीज अरेंजमेंट इज फॉर स्मॉल लो वोल्टेज एंड लो करंट जनरेटर्स. जो बहुत ही लो वोल्टेज और लो करंट के जो जनरेटर्स रहेंगे उसके लिए ही ये रोटेटिंग आर्मेचर टाइप यूज़ करना पॉसिबल है. लॉन्ग मतलब लार्ज वोल्टेज और लार्ज करंट जनरेटर्स के लिए अगर हमने ये यूज़ किया, मतलब आउटपुट आपने रोटेटिंग जो पार्ट है उससे अगर आउटपुट लिया लार्ज वोल्टेज और लार्ज करंट के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है. स्मॉल वोल्टेज स्मॉल करंट के लिए ही वो पॉसिबल है. तो ये क्यों ऐसा होता है, तो ये मैं रोटेटिंग फील्ड टाइप में जो एडवांटेजेस हम लेंगे वहाँ आपको ये बताऊँगा. फोर्थ पॉइंट है इट इज़ यूज फॉर स्मॉल रेटिंग्स अप टू अबाउट 200 to 250 kVA फॉर स्मॉल पावर प्लांट्स आइसोलेटेड लाइटिंग प्लांट्स. तो इसकी रेटिंग भी दी है 200 to 250 kVA तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं. ये जो रेटिंग है इस यहाँ तक अगर आपकी रेटिंग है सिंक्रोनस मशीन की तो आप रोटेटिंग आर्मेचर टाइप यूज़ कर सकते हैं. और एप्लीकेशन क्या है, स्मॉल पावर प्लांट्स आइसोलेटेड लाइटिंग प्लांट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये था रोटेटिंग आर्मेचर टाइप. अभी डिस्कस करते हैं रोटेटिंग फील्ड टाइप के बारे में. तो देखो रोटेटिंग फील्ड टाइप में क्या होता है, फील्ड आपकी रोटेट होगी और आर्मेचर स्टेशनरी होगा. तो देखो स्टेटर पर आर्मेचर रखा है क्योंकि जो भी स्टेशनरी होता है वो हम स्टेटर पर रखते, तो आर्मेचर एज अ हमने स्टेटर रखा है और फील्ड जो है वो रोटर पर रखी है.
तो अभी रोटर रोटेट होगा तो फील्ड भी उसके साथ रोटेट होगी, क्योंकि ये क्या है, रोटेटिंग फील्ड टाइप। और एक बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि आपको जो सप्लाई आउटपुट लेना है तो वो सप्लाई आउटपुट आप कहाँ से लेंगे, आर्मेचर से, हमेशा आर्मेचर से ही आप आउटपुट लेंगे, फील्ड से कभी नहीं लेंगे, बराबर है। तो क्योंकि फील्ड को आपको सप्लाई देना पड़ेगा, एक्साइटेशन देना पड़ेगा, डीसी एक्साइटेशन आपको फील्ड को देना पड़ेगा, तो ही तो फील्ड में मैग्नेटिज्म रेडी होगा और उसी मैग्नेटिज्म की वजह से कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और वही ईएमएफ करंट प्रोड्यूस करेगा और वो करंट एज अ आउटपुट आप पाएंगे आर्मेचर में ही आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो आर्मेचर को ही आपको आउटपुट के टर्मिनल्स कनेक्ट करने हैं, बराबर है। तो आर्मेचर अगर मैंने अभी स्टेटर पर रखा है तो स्टेशनरी आर्मेचर में से ही आपको आउटपुट आने वाला है। तो देखो ये अगर थ्री फेज वाइंडिंग है, ये मैंने जो रेड रेड वाले पार्ट आपको दिखाई दे रहा है स्टेटर, तो यहाँ मैंने ये अज्यूम करो कि ये थ्री फेज वाइंडिंग है, ये मैंने पूरी निकाली नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सिर्फ फिगर है, ऐसे फिगर एग्जाम में निकालना नहीं है आपको, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो देखो थ्री फेज वाइंडिंग है, ऐसा आप अज्यूम करो, ये वाइंडिंग थ्री फेज वाइंडिंग में से थ्री फेज सप्लाई मैंने यहाँ से बाहर निकाला है आर वाई बी, और न्यूट्रल की ज़रूरत होगी तो न्यूट्रल भी, तो आर वाई बी एन ऐसा सप्लाई स्टेटर में से ही अभी मैंने बाहर निकाला, क्योंकि स्टेशनरी आर्मेचर है यहाँ, तो आर्मेचर में से ही मैंने ये सप्लाई बाहर निकाला। और रोटेटिंग फील्ड है, तो फील्ड रोटेट है, तो फील्ड रोटेट होगी तो फील्ड को एक्साइटेशन तो देना ही पड़ेगा, डीसी एक्साइटेशन, तो वो एक्साइटेशन देने के लिए ये डीसी सप्लाई मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है, प्लस माइनस पोलैरिटी एक्साइटेशन आपको देना पड़ेगा और ये रोटेट भी करेगा, आपका जो फील्ड होगी वो रोटेट करेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते, प्रैक्टिकली ऑल मीडियम एंड लार्ज मशीन्स आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड विथ रिवॉल्विंग फील्ड टाइप कंस्ट्रक्शन ड्यू टू फॉलोइंग एडवांटेजेस। देखिए ये रोटेटिंग फील्ड टाइप ये जो है ये ही प्रीफर करते हैं सिंक्रोनस मशीन में, ये पहला वाला जो था रोटेटिंग आर्मेचर टाइप वो वेरी रेयरली प्रीफर करते, क्योंकि रोटेटिंग फील्ड टाइप में आपको जो एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा मिलते वैसे रोटेटिंग आर्मेचर टाइप में कभी नहीं मिलेंगे। तो वो क्या क्या एडवांटेजेस है वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, ईजियर टू इंसुलेट स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग फॉर वेरी हाई वोल्टेजेस। देखो यहाँ आपका आर्मेचर है स्टेशनरी, बराबर है, तो अगर आर्मेचर स्टेशनरी होगा तो वेरी हाई वोल्टेजेस के लिए, मतलब वेरी हाई वोल्टेजेस विस्टैंड करने के लिए अगर वैसे आपने वाइंडिंग वाउंड की, मतलब हाई रेटिंग की जो वाइंडिंग है वो आपने अगर स्टेशनरी आर्मेचर पर वाउंड की तो वो स्टेशनरी आर्मेचर वो वाइंडिंग को सस्टेन कर पाएगा। लेकिन अगर आपका ये रोटेटिंग आर्मेचर टाइप यहाँ होता, रोटेटिंग फील्ड की जगह, मतलब आर्मेचर अगर आपका यहाँ ऐसा रोटेटिंग होता और वहाँ आप वेरी हाई वोल्टेज की रेटिंग की वाइंडिंग करते तो क्या रोटेट भी करता आर्मेचर? तो इतनी हाई वोल्टेज की हाई वाइंडिंग, इतना ज़्यादा वेट, ये सब क्या वो हैंडल कर पाता वो रोटर? कभी हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ आपका जो आर्मेचर है वो स्टेशनरी है, इसीलिए वेरी हाई वोल्टेज रेटिंग्स की वाइंडिंग भी आपने अगर यहाँ वाउंड की, इंसुलेशन प्रोवाइड भी किया, वेट भी ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्टेटर पर आपका आर्मेचर है अभी, तो आप बिंदास वो काम कर सकते, ठीक है। और इतनी हाई वोल्टेज की वाइंडिंग अगर आपको करनी है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए जगह भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो रोटर तो स्टेटर के बीच में होता है तो ऑब्वियसली रोटर की जो जगह है वो कम ही रहेगी। तो अगर आपने वहाँ हाई वोल्टेज वाइंडिंग वाउंड की और स्टेटर पर फील्ड रखी और हाई वोल्टेज वाइंडिंग रोटर पर रखी, मतलब आर्मेचर एज अ रोटर रखा, तो क्या होगा, इतनी ज़्यादा वाइंडिंग वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा वेट वो सस्टेन नहीं कर जाएगा, वहाँ आपका रोटर इतना हैंडल कर ही नहीं पाएगा। और इतनी ज़्यादा स्पेस भी आपको प्रोवाइड आप कर नहीं सकते इस रोटर में, लेकिन स्टेटर वो बाहर होता है, रोटर के बाहर ऐसा लॉन्ग सा स्टेटर होता है, बड़ा है स्टेटर आपका, रोटर छोटा है। तो स्टेटर अगर बड़ा है तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, तो उतनी जगह, इतनी जो स्पेस है, इतनी सफिशियंट स्पेस में आप ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग कर सकते, वहाँ आपका स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो वेरी हाई वोल्टेज की वाइंडिंग आप यहाँ वाउंड कर सकते हैं, और जनरेशन लेवल जो है वोल्टेज की मतलब आउटपुट जो आपको आता है तो 11 kV, 33 kV यहाँ तक भी आप जनरेट कर सकते हैं, अगर आपने रोटेटिंग फील्ड टाइप और स्टेशनरी आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड ऐसा अगर कंस्ट्रक्शन प्रीफर किया तो 11 kV टू 33 kV तक भी आप यहाँ से आउटपुट पा सकते हैं स्टेशनरी आर्मेचर टाइप में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इजियर टू कलेक्ट लार्जर करंट्स विदाउट स्लिप रिंग्स इन केस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर। तो देखो अगर आर्मेचर आपका स्टेशनरी है और आपको आउटपुट भी आर्मेचर में से ही लेना है, क्योंकि आर्मेचर में से हमेशा आउटपुट लेते ये या तो वो स्टेटर पे हो या रोटर पे हो, और यहाँ रोटेटिंग फील्ड है मतलब आर्मेचर आपका स्टेटर पर है मतलब वो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी पार्ट से आपको अगर आउटपुट लेना है इस आर्मेचर में से तो क्या आपको वहाँ स्लिप रिंग कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। स्टेशनरी पार्ट से आपको सप्लाई कलेक्ट करना है तो वहाँ स्लिप रिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रोटर पर हमेशा रोटर पर ही स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको लार्जर करंट मतलब लार्जर वोल्टेज की वाइंडिंग आप स्टेटर पे वाउंड कर ही रहे हो, लार्जर करंट भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो लार्जर करंट आपको लेने के लिए आपको स्लिप रिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप सप्लाई स्टेटर में से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते, वहाँ आपको स्लिप रिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप रोटर पे रखते, रोटर पे आपका आर्मेचर रखते और फील्ड अगर स्टेटर पे रखते तो क्या होता, रोटर में आपको स्लिप रिंग्स कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती, और अगर ये कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती स्लिप रिंग्स रोटर में तो क्या होता, इतना लार्जर करंट्स ड्यू टू लार्जर वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता वो स्लिप रिंग्स में से पास होने के लिए स्लिप रिंग्स भी आपको ज़्यादा रेटिंग्स की लगती, बहुत ज़्यादा रेटिंग्स की स्लिप रिंग्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती, और इतनी ज़्यादा रेटिंग प्रोवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतनी ज़्यादा रेटिंग की स्लिप रिंग, इसीलिए हाई वोल्टेज और हायर करंट के लिए ये रोटेटिंग फील्ड टाइप कंस्ट्रक्शन ही हमारे लिए पॉसिबल है, ये बहुत बड़ा रीज़न है इसके लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको कलेक्ट करना है हायर करंट, और हायर करंट कलेक्ट कैसा करना है, स्लिप रिंग्स भी प्रोवाइड नहीं करनी है इतनी हाई रेटिंग की, तो बेटर यही होगा कि आपको स्टेटर पे आर्मेचर रखना है और रोटर पे फील्ड रखनी है, बराबर है। थर्ड पॉइंट है ओनली 2 स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन पर्पस। अभी देखो आउटपुट आपको कलेक्ट करने का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक्साइटेशन आपको देना पड़ता है फील्ड को, और आपने फील्ड रखी है रोटर पर, तो रोटर पर अगर आपने फील्ड रखी है तो आपको डीसी सप्लाई रोटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा फील्ड के एक्साइटेशन के लिए, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सप्लाई आपको प्लस माइनस मतलब दो पोलैरिटी होती है डीसी सप्लाई में, पॉजिटिव और निगेटिव, एक्साइटेशन के लिए डीसी जनरेटर लगाओ या डीसी सप्लाई किट लगाओ, मैंने पिछले वाले एपिसोड में आपको बताया ही है, तो वो लगा कर आपको ये एक्साइटेशन देना है। तो अभी आपकी फील्ड रोटर पर है तो इसे ही आपको एक्साइटेशन देना है, तो सिर्फ यहाँ 2 स्लिप रिंग्स लगेंगे, 2 स्लिप रिंग्स क्यों, एक पॉजिटिव के लिए और एक निगेटिव के लिए, तो ओनली 2 स्लिप रिंग्स यहाँ आपको लग रही है। लेकिन अगर आपका स्टेटर बीच में होता मतलब सॉरी आर्मेचर अगर आपका रोटर पे होता और फील्ड अगर स्टेटर पे होती तो आपको आउटपुट कलेक्ट करना पड़ता, और आउटपुट अगर आप कलेक्ट करते तो आउटपुट कलेक्ट कहाँ से करते, आर्मेचर में से, और आर्मेचर आपका रोटर पर होता इन दैट केस, तो आपको वहाँ 3 और 4 स्लिप रिंग्स लगती, इतनी ज़्यादा स्लिप रिंग्स आपको वहाँ लगती आउटपुट कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी रोटर पर होता है तो रोटर में स्लिप रिंग्स कनेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि रोटर रोटेट होता है इसीलिए स्लिप रिंग्स वहाँ कनेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ आपको ओनली एक्साइटेशन देना है तो एक्साइटेशन के लिए ओनली 2 स्लिप रिंग्स यहाँ लगते, तो 2 स्लिप रिंग्स पॉसिबल है हमारे लिए इंस्टेड ऑफ 3 और 4 स्लिप रिंग्स, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेज ही नहीं है कि रोटेटिंग फील्ड टाइप कंस्ट्रक्शन ही प्रीफर करो। फोर्थ पॉइंट है इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर रोटर एक्साइटेशन इज वेरी लेस, हेंस फील्ड सिस्टम हैज़ लो इनर्शिया। अभी एक बात आप नोटिस करो, स्टेटर पर मैंने वेरी हाई वोल्टेज की जो वाइंडिंग है वो वाउंड की है, क्योंकि स्टेटर में से हम अभी आउटपुट ले रहे, और रोटर में आपको एक्साइटेशन सिर्फ प्रोवाइड करना है, तो एक्साइटेशन प्रोवाइड आप कहाँ कर रहे हैं, रोटर में जो आपने फील्ड रखी है रोटर में, तो उसे आप एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे, तो फील्ड मतलब वो कुछ ना कुछ तो वाइंडिंग ही होगी रोटर की, वो वाइंडिंग आप ऐसा बोल सकते हैं रोटर वाइंडिंग, तो वो जो रोटर वाइंडिंग होगी तो क्या वो बाहर जैसी 3-phase वाइंडिंग होगी स्टेटर जैसी?
स्टेटर में से तो आपको आउटपुट लेना है, तो वहाँ ऑब्वियसली ये थ्री फेज वाइंडिंग है। वैसे ही रोटर में क्या थ्री फेज वाइंडिंग रहेगी? तो नहीं, वहाँ तो ओनली डीसी सप्लाई आपको प्रोवाइड करना है एक्साइटेशन के लिए, और उसकी मैग्नीट्यूड भी बहुत कम रहती है। एक्साइटेशन की जो मैग्नीट्यूड है, मैंने पिछले वाले एपिसोड में भी आपको बताया कि एक्साइटेशन देना है आपको फील्ड को, तो मैग्नीट्यूड वोल्टेज की 200 वोल्ट 250 वोल्ट ऐसी होती है, बराबर है। और बहुत ही वर्स्ट केस में, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा रेटिंग होती है अल्टरनेटिंग की, तो वहाँ 750 वोल्ट तक वो मैग्नीट्यूड रहती है एक्साइटेशन की। लेकिन 750 वोल्ट से ज़्यादा मैग्नीट्यूड फील्ड को रहती नहीं है, तो वो जो मैग्नीट्यूड है तो इससे कई ज़्यादा मैग्नीट्यूड का वोल्टेज एज अ आउटपुट आप पा रहे हैं, 11 kV, 33 kV। तो इसके कंपैरिजन में ये जो वोल्टेज है फील्ड को, आपको जो एक्साइटेशन देना है, तो वो जो वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। तो इतनी कम रेटिंग, मतलब वोल्टेज की रेटिंग यहाँ से यहाँ बहुत कम है, तो वाइंडिंग की जो साइज़ है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी अकॉर्डिंग टू दैट वोल्टेज ही होगा, बराबर है। वोल्टेज कम है तो वाइंडिंग जो है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी कम रहेगा, बराबर है। मतलब अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन कंसिडरेशन, वोल्टेज अगर कम देना है आपको एक्साइटेशन एज अ, तो वाइंडिंग भी कम, मतलब वाइंडिंग का जो वेट है वो भी कम हो जाएगा। तो वाइंडिंग का वेट यहाँ कम होता है, रोटर की जो वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग जिसे आप एक्साइटेशन देने वाले हैं फील्ड एज अ, तो वहाँ बहुत ही कम वेट होगा इसका। तो इसका वेट कम होगा तो एज अ जो जो भी थिंग हो जिसका वेट कम हो, उसका जो इनर्शिया है, मतलब इसे आप रोटेट करते हो, तो वो सबसे बहुत ही जल्दी रोटेट होती है। वेट कम है तो रोटेशन बहुत जल्दी होता है इसका, मतलब इनर्शिया जिसे हम बोलते हैं, इनर्शिया एज अ पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इनर्शिया इसका जो है वो बहुत ही कम रहेगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा रोटर को रोटेट होने के लिए, क्योंकि आप ओनली फील्ड एज अ रोटर रख रहे हैं, और फील्ड को वोल्टेज बहुत ही कम देना है आपको, बराबर है। तो इनर्शिया बहुत ही कम होगा, और इनर्शिया बहुत कम होने की वजह से रोटर जल्दी से रोटेट हो पाएगा आपका, बराबर है। तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो इंसुलेशन भी आपको बहुत ही कम लगेगा, एक्साइटेशन वाइंडिंग जो होगी आपकी बीच में, इसे आपको इंसुलेशन भी कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो रिवॉल्विंग पार्ट में कम इंसुलेशन है, मतलब वेट भी कम है, और वेट कम है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा इस रोटर का, और इस इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से, सॉरी इनर्शिया कम हो जाएगा, और इनर्शिया कम होने की वजह से स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जल्दी से रोटर रोटेट होने लगेगा। इसीलिए रोटेटिंग फील्ड टाइप कंस्ट्रक्शन इज प्रिफर्ड फॉर हायर स्पीड सिंक्रोनस मशीन, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। अभी देखो फिफ्थ पॉइंट, कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल एंड रोबस्ट ड्यू टू लो इनर्शिया ऑफ रोटर, सो इट कैन बी रोटेट एट हायर स्पीड। तो मुझे यही आपको अभी समझाना था, ठीक है। तो हायर स्पीड में ये रोटर घूम सकता है। 6.8, इट इज़ वेरी ईजी टू कूल द आर्मेचर। अभी देखो, आर्मेचर एक ऐसा एलिमेंट है, वो आप स्टेटर पर यहाँ रख रहे हो, रोटेटिंग फील्ड टाइप में स्टेटर पर आप आर्मेचर रख रहे हो, और स्टेटर बाहर रहता है, तो स्टेटर रोटर के बाहर जब रहता है तो स्टेटर को वेंटिलेटिंग डक्ट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, और वेंटिलेटिंग डक्ट्स की वजह से प्रॉपर कूलिंग हो सकती है। स्टेटर में सबसे आसानी से कूलिंग होती है, और सबसे ज़्यादा हीट अभी स्टेटर में ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपका आर्मेचर स्टेटर पर रखा है, थ्री फेज वाइंडिंग स्टेटर पर है, तो आउटपुट आपको स्टेटर में से ही लेना है, तो वहाँ ही आपकी हीट प्रोड्यूस होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा हीट वहाँ प्रोड्यूस होती है, तो कूलिंग पर्पज़ के लिए आपको वेंटिलेटिंग डक्ट्स प्रोवाइड करने पड़ते। तो अगर आप आर्मेचर स्टेट यहाँ रोटर पे रखते तो वेंटिलेटिंग डक्ट्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता इतने अंदर, और कूलिंग के लिए भी प्रॉब्लम आता। लेकिन यहाँ स्टेटर है, स्टेटर बाहर है, तो कूलिंग आसानी से हो सकती है, इसीलिए इट इज़ वेरी ईजी टू कूल द आर्मेचर, ठीक है। 7th point है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस आर वेरी वेरी लेस। तो देखो, आपको पता होगा, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रोटेक्ट हाई वोल्टेज वाइंडिंग फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कॉजेज ड्यू टू रोटेशन।
रोटेशन होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी होंगे। तो आप अगर आर्मेचर यहाँ रखते तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बहुत ज़्यादा रहते और इसका असर आपके आउटपुट पर होता। लेकिन अभी आप वो बाहर रख रहे हैं, मतलब स्टेटर में, स्टेटर तो स्टेशनरी रहता है और आर्मेचर आप स्टेटर पर रख रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डेवलप होने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस जो हायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से डेवलप होते हैं वो डेवलप होने का यहाँ सवाल नहीं उठेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस आर वेरी वेरी लेस इन रोटेटिंग फील्ड टाइप कंस्ट्रक्शन। तो इतने ज़्यादा हमें इतने एडवांटेजेस यहाँ मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, व्हाई रोटेटिंग फील्ड टाइप कंस्ट्रक्शन इज प्रिफर इंस्टेड ऑफ प्रिफरिंग रोटेटिंग आर्मेचर टाइप कंस्ट्रक्शन। तो ये सब पूरा जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो आप पेपर में लिख सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी कर सकते हैं आप, पेपर में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और आपको आसानी होगी, हमेशा ध्यान में रहेगा ये कंसेप्ट जो है। इसीलिए मेरे वीडियो आप फुल ऑन देखो, फुल वीडियो देखो, बीच में कोई स्किप मत करो, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। थैंक यू। अगले वाले एपिसोड में हम लेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अभी वो रह गया है, वो अगले वाले एपिसोड में हम लेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमें सिंक्रोनस जनरेटर के लिए लगते, पोल पिच हो, वाइंडिंग क्या है, टर्न क्या है, वो सब कुछ हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।